प्राइमरी क्लास की एक किताब में जीसस क्राइस्ट को एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में बियर पकड़े हुए दिखाया गया है। शुक्र है कोई हिंदू भगवान नहीं थे, वरना उनके तो 6-7-8 हाथ होते हैं और भी बहुत सारा सामान पकड़ सकते थे वो। वैसे इस मामले के बाद काफी हल्ला मचा है और बहुत से लोग बहुत दुखी हैं। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया से भी परेशान लोगों ने फोन करके पूछा कि क्या जीसस के हाथ में फॉसिल्स थी। ये अजीब इमेज वाली किताब दिल्ली के एक पब्लिशिंग हाउस ने छापी थी और पब्लिशिंग हाउस का कहना है, हमें कुछ नहीं पता, आप तो जानते ही हैं कि जीसस की तस्वीर कहीं भी उभर के आ सकती है, इट्स अ मिरेकल। हमारे किताब में जीसस की तस्वीर आ गई तो हमें तो सेंटहुड मिलना चाहिए। आपने आईपीएल का लॉन्च वीडियो देखा जिसमें हिमालय के ऊपर से एक बड़ा सा रेड कारपेट आता है और पूरे देश पे फैलता जाता है। वेल, पता चला है कि ये एड चाइना के 2008 ओलंपिक्स के एक वीडियो से कॉपी किया गया है, लेकिन चाइनीज लोगों ने कहा है कि कोई बात नहीं, तुम लोग एड रखो, हम अरुणाचल प्रदेश रखते हैं। इस सरेआम चोरी किए गए एड को बनाया है ओगिलवी मुंबई और प्रसून पांडे ने। वेल, अगर चाइना के पास पांडा है तो हमारे पास पांडे है। नोएडा के एक कॉलेज ने वैलेंटाइंस डे पर लड़के लड़कियों को भाई बहन की तरह से रहने को कहा है और लड़के लड़कियों ने कहा, क्या मां चो। ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम के इस कॉलेज ने यह भी कहा है कि लड़कियां भाई दूज की तरह लड़कों के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाएं। और लड़कों ने कहा, बट हमारी भूख थोड़ी दूसरे टाइप की है। दूरदर्शन का कहना है कि उनके ऑफिस से 25 साल पुराने लेजेंडरी टीवी सीरियल हम लोग के टेप्स गायब हो गए हैं। और दादा मुनि का कहना है, अशोक कुमार जी का कहना है कि बेटा जब दूरदर्शन ही गायब हो गया तो टेप्स कैसे बचेंगे। चेक डॉक्टर्स ने एक महिला का ऑपरेशन करने के बाद उसके पेट में 1 फुट लंबा इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया और डॉक्टर्स का कहना था, अगर 2 इंच भी और लंबा होता तो बाहर से ही हार्ट डाल के निकाल सकते थे। वैसे इस महिला को 5 महीने बाद पता चला कि उसकी बॉडी में 1 फुट लंबा मेडिकल टूल रह गया है। पर इसमें कोई अजीब बात नहीं है, कांग्रेस को तो 6 साल से पता नहीं चला है कि शरद पवार ने उनके अंदर कितना बड़ा डंडा डाला हुआ है। अमेरिका के एक 51 साल के बंदे ने वैलेंटाइंस डे पर सबसे ज्यादा लोगों को हग करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। इस कैटेगरी में इससे पिछला रिकॉर्ड पैमेला एंडरसन का था, उससे पिछला माँ अमृतानंदमयी का, उनसे पिछला सुंदरलाल बहुगुणा का और उनसे भी पिछला गौतम बुद्ध का। इस आदमी ने 24 घंटे में लास वेगस एरिया में 7,777 लोगों को हग किया और घर पहुंचती उसकी बीवी ने पूछा, सच सच बताओ वो येलो ड्रेस वाली कौन थी, बहुत खुश हो रहे थे उसको हग करके। 7,777 में येलो ड्रेस वाली। पिछले दिनों नोबेल पीस प्राइज विनर ओबामा नोबेल पीस प्राइज विनर दलाई लामा से मिले और दोनों ने मिलकर काफी जरूरी बातें डिस्कस की, जैसे कि हमें नोबेल क्यों मिला। फिर ओबामा के दिमाग की बत्ती जली, आई थिंक इट्स बिकॉज योर होलीनेस वी बोथ कैन इरिटेट चाइना सो वेल। सॉरी बराक, इस हिसाब से नोबेल प्राइज सिर्फ तुम्हें ही मिलनी चाहिए थी, ना कि दलाई लामा को। यार तुम तो पूरे दुनिया को इरिटेट कर रहे हो यार। इंदौर में हुई बीजेपी की चिंतन बैठक में बीजेपी लीडर्स ने फिल्मी गाने भी गाए। अच्छा, ये चिंतन बैठक थी या अंताक्षरी। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ने स्टेज पर चढ़कर 14वीं का चांद गाया। ये बात और है कि उन्होंने ये गाना वहीदा रहमान जी के लिए नहीं, अडवाणी जी के लिए गाया। 14वीं का चांद हो या जला दिया, जो भी हो तुम खुदा की कसम सब डुबा दिया।
वैसे गाना गाने की शुरुआत बीजेपी के नए प्रेसिडेंट नितिन गडकरी ने की और उन्होंने मन्ना डे का वो गाना जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए ये गाया और गाना गाने के बाद वो 2 घंटे तक रोते रहे। यूएई के एक एम्बेसडर ने अपने निकाह के बाद पाया कि उसकी नई बीवी की मूछें हैं और उसकी आंखें भेंगी है, मतलब क्रॉस आइड है, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लड़की वैसे भी अगले 60 साल तक बुरखे में ही रहने वाली है यार। और अभी बाकी है सीआईडी टीम का नया जलवा, एक और खतरनाक फिल्म का मायन रिव्यू आफ्टर दिस ब्रेक।